दोस्तों, मेरा मानना है सब परवरिश के ऊपर है। यदि परवरिश सही नहीं हो तो इंसान भी जानवर बन जाता है, और यदि परवरिश सही हो तो जानवर भी इंसान बन जाता है। दोस्तों, डॉग को बैन करने वाले और बैन को समर्थन करने वालों से मेरा सवाल है, क्या अब सभी इंसानों को नसबंदी कराना पड़ेगा? क्या अब सभी गाड़ी, मोटर, ट्रक, बस, कार, ट्रेन पे बैन होगा? क्या शराब या सभी नशीले कारोबार पे बैन होगा? क्या इंसानों पे भी बैन करेंगे? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कृपया सिर्फ 2 मिनट मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ शायद किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यदि आप डॉग लवर हैं तो सही लगेगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि चीप पिटबुल, रॉटवाइलर के साथ साथ 23 प्रकार के डॉग ब्रीड नस्ल को भारत में बैन कर दिया गया है। इन डॉग ब्रीड की ना तो इंपोर्ट हो सकती है और ना ही ब्रीडिंग किया जा सकता है, बल्कि जो डॉग्स अभी हैं उनका नसबंदी कराने कहा गया है। दोस्तों, कौन कौन से डॉग पे बैन किया गया है इस स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, एक अफवाह है कि ये डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लोगों को काटता है, अपने मालिक को भी काट देता है। ये सब बात ज़्यादा फैलता है, लेकिन दोस्तों अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है ऐसी बात को नहीं फैलाते हैं। देखिए, एक रॉटवाइलर अपने मालिक की जान बचाने के लिए जहरीले सांप से लड़ाई किया और अपनी जान गंवा दिया, सांप को मार भी दिया। दोस्तों, मेरे ख्याल से इन डॉग्स पे बैन करना सही उपाय नहीं है, इसका कुछ दूसरा उपाय सोचना चाहिए। आजकल डॉग पालने की ज़रूरत और शौक बढ़ती जा रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाना चाहिए। जब भी कोई डॉग या पप्पी छोटा पिल्ला लेते हैं तो पेट शॉप, पेट केनल और डॉग आनर, इन तीनों पर कड़ी नियम, कुछ एग्रीमेंट, ऐसे नियम तुरंत लागू होना चाहिए। हर ज़िले में डॉग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए और डॉग को ट्रेनिंग स्कूल में भेजना कंपलसरी होना चाहिए। इसके बिना डॉग पालने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। हर शहरों में डॉग पार्क होना चाहिए। इस तरह से कुछ कुछ अच्छा और सही नियम लागू करना चाहिए और विषय विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों से सलाह लेकर कुछ नियम बनाएं, न कि पूरी तरह से बैन करना चाहिए सिर्फ ये मानकर कि ये डॉग एग्रेसिव होते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है सब परवरिश के ऊपर है। यदि परवरिश सही नहीं हो तो इंसान भी जानवर बन जाता है, और यदि परवरिश सही हो तो जानवर भी इंसान बन जाता है। दोस्तों, इन डॉग पे बैन करने वालों और बैन को समर्थन करने वालों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सर्वे कर लो, इस भारत देश में देसी कुत्ते का काटा हुआ केस ज़्यादा मिलेगा, इसका क्या करोगे? बैन किए ये डॉग्स का नसबंदी कराना पड़ेगा बोलते हैं, तो क्या अब इंसानों का भी नसबंदी कराना पड़ेगा? क्योंकि कई इंसान बहुत बुरे होते हैं जो मासूम बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं का बलात्कार करते हैं। इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि सभी इंसान ऐसे नहीं होते, कुछ लोग के कारण सबको नहीं बोला जा सकता। हाँ ठीक, ये बात डॉग के ऊपर भी लागू होता है। अब बताओ, क्या अब सभी मोटर गाड़ी, ट्रक, बस, कार, बाइक, ट्रेन, इन सब पे बैन करोगे? क्योंकि दोस्तों, इन सभी से एक्सीडेंट होता है, इतने सारे लोगों का बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। आप बोलोगे एक्सीडेंट अचानक होता है, ड्राइवर की लापरवाही के वजह से होता है, जिसके लिए उसे सज़ा मिलती है, जुर्माना लगता है। हाँ भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यदि किसी का डॉग अपराध करता है तो डॉग आनर को सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगना चाहिए, न कि पूरी नस्ल को बैन करना चाहिए। अब बताओ, शराब या हर नशीले कारोबार पे बैन लगेगी? क्योंकि नशे में कई अपराध होता है, एक्सीडेंट, बलात्कार, चोरी, मर्डर, ना जाने क्या क्या होता है। ऐसे में तो इंसानों को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान मर्डर करता है, अपनी बीमारी को दूसरे इंसान पे फैलाते हैं, इससे भी जान चली जाती है। इस तरह से दोस्तों, ज़्यादा सवाल जवाब करने से वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। आगे आप लोग समझदार हैं, क्या सही है क्या गलत है, पर ये जो बैन करने वाला नियम है वो बहुत गलत है।